नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज टॉप 10 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबरों पर। शिमला, जम्मू, धर्मशाला, देहरादून से भी ठंडे एमपी के शहर। दतिया, ग्वालियर में रात में रिकॉर्ड ठंड। भोपाल, इंदौर, जबलपुर भी ठिठुरे। रतलाम में लोकायुक्त ने वनपाल को 15,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। रतलाम में वन विभाग के वनपाल ब्रजबिहारी लाल पुष्कर को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। वे नामली में पदस्थ हैं। भोपाल में जुटे 20 राज्यों के खनिज मंत्री। सीएम बोले, माइनिंग को काजल की कोठरी मानता था, केंद्र की नीतियों से बड़ा भरोसा। नेता प्रतिपक्ष बोले, गांधी की जगह सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा। भोपाल में कांग्रेस का मौन धरना। राहुल की यात्रा रोकने के खिलाफ प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहे। एमपी में 12 आईएएस अधिकारी इधर से उधर। राजेश राजौरा को गृह से हटाया, अब संजय दुबे को जिम्मेदारी। रोशन सिंह संचालक जनसंपर्क बने। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग हो सकते हैं मर्ज। मोहन कैबिनेट की बैठक आज। राम ज्योति और रामलला प्राण प्रतिष्ठा के साथ विकास कार्यों पर चर्चा। दो युवकों से मारपीट करने वाला एसडीएम सस्पेंड। सीएम डॉक्टर यादव ने दिए निर्देश, बोले अमानवीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को सस्पेंड कर दिया है। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद शिवराज का पहला इंटरव्यू, कहा मुझे अपने हर निर्णय पर गर्व। सीएम नहीं बनाने, नई जिम्मेदारी लाडली बहना पर भी बोले। आईआईटी नीट कोचिंग से बाहर होंगे 1.5 लाख छात्र। एमपी में भी लागू होगी केंद्र की गाइडलाइन, 16 से कम उम्र वालों को एडमिशन नहीं। भोपाल में बीआरटीएस की 300 मीटर रेलिंग हटाएं। हलालपुर बस स्टैंड के सामने काम जारी, एक महीने में बैरागढ़ तक हटाएंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाई सुहागी बाईपास।